इस वीडियो में हम आपको 11 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। ये सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। तो आइए देखते हैं आप कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। सवाल एक, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? ए लोकमान्य, बी प्रज्ञा हितेच्छु, सी लोकनायक, डी बिहार केसरी। इसका सही जवाब है लोकनायक। सवाल नंबर दो, बिहार की स्थापना किस साल में की गई थी? ए 1911, बी 1912, सी 1913, डी 1914। इसका जवाब है साल 1912। सवाल नंबर तीन, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? ए कोयल, बी सारस, सी तोता, डी गौरैया। इसका जवाब है गौरैया। सवाल नंबर चार, मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय जनरल कौन था? ए मानसिंह, बी टोडरमल, सी बीरबल, डी तानसेन। इसका जवाब है ए मानसिंह। सवाल नंबर पाँच, सासाराम में किस पुराने सम्राट का मकबरा है? ए बहादुर शाह, बी शेर शाह, सी मीर जाफर, डी फिरोज शाह। इसका जवाब है बी शेर शाह। सवाल नंबर छह, कार्ल मार्क्स किस देश के दार्शनिक थे? ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी हॉलैंड, डी ब्रिटेन। इसका सही जवाब है जर्मनी। सवाल नंबर सात, अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। और इसका सही जवाब है विटामिन सी। सवाल नंबर आठ, प्रकाश वर्ष से किस चीज को मापा जाता है? ए समय, बी गति, सी दूरी, डी प्रकाश की तीव्रता। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी दूरी। सवाल नंबर नौ, हाल ही में मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ए पोषाहार योजना, बी पीएम पोषण योजना, सी राष्ट्रीय पोषण आहार मिशन, डी पोषण सुरक्षा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पीएम पोषण योजना। सवाल नंबर 10, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत 116 देशों में से कितने पायदान पर है? ए 101वें, बी 98वें, सी 110वें, डी 104वें। इसका सही जवाब है 101वें स्थान पर। सवाल नंबर 11, किस क्षेत्र में पूरे साल वर्षा होती है? ए भूमध्य सागरीय, बी शीतोष्ण क्षेत्र, सी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, डी भूमध्य रेखा के क्षेत्र। और इसका सही जवाब है डी भूमध्य रेखा के क्षेत्र, जहां सालों भर वर्षा होती है। इनमें से आप कितने सवालों के जवाब दे सके हैं आप हमें कमेंट में लिखकर बताएं। सही जवाब देने वालों का नाम हम अगले वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।